पिता बेचते हैं चादर, बेटा 16 साल की उम्र में बना गेंदबाजों का फादर। एस्टोनिश ने भी कहा यू आर ग्रेट ब्रदर। टीम इंडिया को मिल गया दूसरा जडेजा, उंगलियां नचाता है, गेंद पर फिराता है, फिर सीधे स्टंप उखाड़ देता है। कौन है समीर खान जो फील्ड पर उतरने से पहले पढ़ता है किताब, स्टार्क हो या फिर हेजलवुड, सबका लेता है हिसाब। ऑस्ट्रेलिया की टीम हिंदुस्तान आई, कोच ने बीसीसीआई को कहा कि हमें एक स्पिनर दीजिए, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को कैसे खेलना है प्रैक्टिस करेंगे। कुल 4 स्पिनर अलग अलग जगह से बुलाए गए, इन्हीं में से खिलाड़ी पंजाब के कपूरथला का रहने वाला था, नाम है समीर खान। पिता उसी शहर में चादर बेचते हैं। सिराज की तरह बचपन में गरीबी देखी लेकिन बॉलिंग नहीं छोड़ी, सोते वक्त भी यही सोचा कि सामने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी हों तो कैसे गेंद डालूंगा, ये सोचते सोचते रात कब हो जाती थी पता नहीं चलता था, इसीलिए जब मौका मिला तो दोनों हाथों से लपका। 16 साल का ये लड़का जैसे ही नेट प्रैक्टिस के लिए पहुंचा, आते ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने देखा कहां से ये बुला दिया, इसका तो धुआं बना देंगे, पर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। पहली ही गेंद डाली, मार्क्स एस्टोनिश ने रोक कर खेला, अगली गेंद पर फिर संभले। करीब 20 मिनट तक एस्टोनिश गेंद समझने की कोशिश करते रहे और आखिर में LBW आउट होकर लौटना पड़ा। आउट होते ही सीधा समीर के पास पहुंचे और कहा कि यू आर ग्रेट ब्रदर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पिच पर ठीक से पैर नहीं जमा पाए, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को गेंद ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। एक सवाल हर किसी के दिमाग में था, 16 साल का ये लड़का इतनी कमाल की बॉलिंग कैसे कर रहा है, तो खुद इसका जवाब समीर ने दिया। हम 4 भाई और एक बहन हैं, पापा चादर बेचते हैं, पंजाब T20 लीग में 7 मैच खेलने का मौका मिला था, तब 5 विकेट चटकाए थे। जब नेट प्रैक्टिस करवाने आया तो कोच ने कहा कि सही लाइन लेंथ पर बॉल डालना, पर मैंने देखा कि एस्टोनिश पीछे की पैर वाली गेंद नहीं खेल पा रहे थे। दावा ये भी किया जाता है कि 11वीं में पढ़ने वाला ये लड़का हर मैच से पहले किताब पढ़ता है, पढ़ते वक्त भी आधा ध्यान पिच पर होता है। कई लोग कहते हैं कि समीर खान हर मैच से पहले कुरान पढ़ते हैं, समीर 11वीं में है इसलिए 12वीं बोर्ड की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं, जब कभी वक्त मिलता है किताब पढ़ता है। दावे कई हैं पर हकीकत ये कि वो विकेट लेता नहीं बल्कि सीधा स्टंप उखाड़ देता है। टीम इंडिया के पास अभी 3 स्पिनर हैं। पहला जडेजा जिनकी जादुई गेंद पर कंगारू नाच जाते हैं, मोहाली में खेले जा रहे पहले वनडे में जब डेविड वार्नर को गिल के हाथों कैच आउट करवाया तो वार्नर भी हक्का बक्का रह गए। दूसरे नंबर पर अक्षर पटेल कब गेंद रिलीज करते हैं, कितनी टर्न लेती है, ये बड़े बड़े दिग्गज नहीं समझ पाते। टेस्ट सीरीज में आने से पहले ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज ने अक्षर का बाकायदा वीडियो देखा तब जाकर बापू से पार पाया। तीसरे नंबर पर हैं कुलदीप यादव, इनकी उंगली नहीं कलाई घूमती है, कब विकेट गेंद के पीछे चली जाएगी बल्लेबाज को भनक तक नहीं लगेगी। वर्ल्ड कप में इनका खौफ हर टीम में दिखने वाला है। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है। समीर खान जैसे खिलाड़ी के सामने नेट प्रैक्टिस करके इसीलिए खुद को तैयार कर रही हैं। बीच मैच में सिलेबस बदल जाए तो बिखर भी सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं, पर सिराज अभी भी फॉर्म में आए हैं तो देखने में मजा आएगा कि तीसरे वनडे मैच में सिराज कैसी सनसनी मचाते हैं और वर्ल्ड कप में क्या धमाल मचाते हैं। समीर ने नेट प्रैक्टिस में ही कंगारुओं को नचा डाला और आगे का काम अब बाकी बॉलर्स को करना है। जो भी समीर खान को बॉलिंग करते देखेगा वो यही कहेगा कि भाई इसे IPL में ले आओ, फिर टीम इंडिया में एंट्री दिलाओ, ये तो गदर गेंदबाज है। आप ऐसे खिलाड़ी के लिए क्या कहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं।